सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा हम सबके लिए अन्न जल फल फूल साग उस, सब्जी औषधियों से लेकर के समस्त प्रकार के हमें ऐश्वर्य प्रदान किया और उसी परमपिता परमात्मा ने हमें अपने जीवन को कैसे हमें उत्कृष्ट बनाना है कैसे इन ऐश्वर्यों का प्रयोग करना है और कैसे इन ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए हम अपने जीवन में चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान हमें प्रदान किया उसी वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे सत्संग कर रहे थे स्तवन कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि जो विभिन्न प्रकार के हमें कर्मों को करने का विधान बताया उसमें एक महत्वपूर्ण और विशेष कर्म यज्ञ भी बताया वह जो यज्ञ कर्म हैं उस यज्ञ कर्म से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है यज्ञ कर्म की क्या महिमा है यज्ञ महिमा का हम स्तवन कर रहे थे वेदों की वाणी के माध्यम से तो आइए आज हम देखते हैं कि जो यज्ञ की महिमा इतनी सारी हैं तो उसके पीछे का साइंस क्या है उसके पीछे क्या विशेष टेक्नोलॉजी या पद्धति के माध्यम से कार्य होता है जिसके कारण से वो हमारे जीवन से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख शांति सद्भावना सात्विकता अच्छाइयों का संचार करता है तो हम एक रूप से देखें साइंस की दृष्टि से तो यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है क्यों क्योंकि यज्ञ में जो भी हम क्रियाएं करते हैं और उसका जो मूल परिणाम होता है जो हमारे पास स्थूल द्रव्य होते हैं घृत जड़ी बूटिया से लेकर के संविधा आदि जो भी पदार्थ हैं उसको हम नैनो करते हैं अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात ऐसे पदार्थ का निर्माण जो टिकाऊ हो प्रभावी हो हल्का हो कई गुना मजबूत हो और कई सारे लाभ देने वाला हो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज बहुत सारी चीजों का प्रयोग ले रहे हैं चाहे ईंधन का हो जैसे हम अपने प्रत्यक्ष रूप से जो आचरण में आने वाला हम जो चिप का प्रयोग करते हैं जिसमें शुरुआत में हम देखें तो एक या दो जीबी या बहुत कम मात्रा में कि हम जो कैलकुलेटर के अंदर जितनी मेमोरी होती है उतनी मेमोरी को रखने के लिए जब पहली बार यह आविष्कार किया गया खोज की गई तो उस समय यह पाया गया कि एक जो हमारे सामान्य से सामान्य कैलकुलेटर के अंदर जितना हिसाब किताब हम कर पाते हैं या जितना उसमें मेमोरी को सेव रख पाते हैं वर्तमान समय तक रख पाते हैं उतनी मेमोरी के लिए एक बहुत बड़े रूम जैसा यंत्र था और उसके अंदर वो चीज़ें होती थी वो भी एक बहुत बड़ी कि ये चीज स्टोर करके रख रहा है वो भी एक बहुत बड़ी मतलब आश्चर्य था उस समय लेकिन धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे जैसे कार्य हुआ और जैसे जैसे उसके ऊपर कार्य होता गया उसके आधार पे आज एक छोटी सी चिप के अंदर हम कईयों जीबी डेटा को संग्रहित कर ले कई वीडियो कई फोटो कई ऑडियो और कहीं सारे प्रकार का हम मटेरियल उसमें रख सकते हैं एक छोटी सी चीज ये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे इसी प्रकार ईंधन के रूप में देखें सामान्य रूप से आज हम पेट्रोल डीजल और कोयला आदि का ईंधन का प्रयोग लेते हैं लेकिन विशेष रूप से जैसे यान आदि में जो रॉकेट आदि में या सैटेलाइट छोड़ते हैं या पर ग्रह के ऊपर जाने के लिए जिन यानों का हम प्रयोग लेते हैं उसके अंदर जो हम ईंधन का प्रयोग लेते हैं वह ईंधन नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार होता है मानी हल्का टिकाऊ और कई गुना शक्ति देने वाला यह होती है नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषता जैसे हाइड्रोजन हमारे पास उपलब्ध गैस है हाइड्रोजन सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है धरती पर जितने पदार्थ है उसमें सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस कोई मानी जाती है तो वो हाइड्रोजन होती है उस गैस को जब नैनो करते हैं माने माइनस घाते दस मानी बहुत ही महीन बहुत ही सूक्ष्म रूप में पदार्थ को कन्वर्ट करना जब हम पदार्थ को नैनो करते हैं तो उस समय उस पदार्थ के अंदर जो निहित शक्ति होती है वो उद्भुत अवस्था में आ जाती है वो प्रकट अवस्था में आ जाती है उसकी शक्ति बढ़ती है और उससे अतिरिक्त उसका टिकाऊपन और हल्कापन भी बढ़ता है इसलिए जो आज मैंने कह रहा था हाइड्रोजन गैस होती है हाइड्रोजन गैस को जब हम नैनो करते हैं तो हीलियम बन जाता है उससे उनकी अपेक्षा कई गुना हल्का कम और कई गुना ज्यादा ऊर्जा देने वाला और टिकाऊ हो जाता है वह इंधन हाइड्रोजन से हीलियम बनता है उसको भी नैनो करते तो लिथियम बन जाता है इसको भी नैनो करते तो यूरेनियम बन जाता है और वर्तमान में जिन वाहनों का हम प्रयोग करते हैं वहां पर ये नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया गया यदि ईंधन का प्रयोग करें तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम अपने वाहन में प्रयोग करें तो हम बहुत लंबे समय तक इस वाहन को चला सकते हैं तो इतनी ज्यादा उसमें शक्ति होती है हल्का होता है कम होता है फिर भी उससे कई गुना ज्यादा हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है ये है नैनो टेक्नोलॉजी की महिमा और यहाँ पे यंत्रों के माध्यम से अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको नैनो किया जाता है ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखें तो जो होम्योपैथी का हम प्रयोग ले रहे हैं उस होम्योपैथी के अंतर्गत जिन दवाइयों का हम निर्माण करते हैं उन दवाइयों के निर्माण में डिस्टिल वाटर का सहारा लेते हुए उसके अंदर जिन तत्वों की पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है उन तत्वों को उस डिस्टिल वाटर में डाल करके उसको ज़ोर से झटका दिया जाता है उस पानी को तो जैसे जोर से झटका देते हैं तो वो जो एक बूंद होती है वो फैलती है उस पानी के अंदर सौ झटके देने पर वो पूरे पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाती है अर्थात एक बूंद एक लीटर पानी के अंदर पूरी तरह घुल गई अब वो जो पानी होता है उसको कहते हैं सो पोटेंसी की दवाई होम्योपैथी में उसी में से एक बूंद और हम निकाल लें और एक लीटर पानी के अंदर फिर उसको डाले और उसको फिर सौ बारे तो दो सौ पोटेंसी की ऐसे पांच सौ पांच सौ से लेकर एक एक हजार पोटेंसी की दवाइया बनाई जाती है अब सामान्य व्यक्ति उस चीज को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं कुछ रहा ही नहीं इसमें तो जो था वो थोड़ी सी मात्रा में लिया और फिर उसको वो कर दिया जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि मान लो हमारे पास नींबू है हमने एक लीटर डिस्टिल वाटर लिया उसमें एक बूंद हमने नींबू का रस डाला और उसको सौ झटके देते तो एक एक बूंद पूरे एक लीटर पानी में घुल गया उसमें से एक बूंद लेकर के फिर एक लीटर डिस्टिल वाटर में डाल करके उसको सौ झटका देते वही एक बूंद सौ लीटर एक लीटर पानी में घुल गया फिर उसमें से एक बूंद लेकर के ऐसे पाँच बार करते तो पाँच पोटेंसी की गैस हो जाती है पाँच पोटेंसी की दवाई हो जाती लेकिन यहाँ पे एक बूंद हमने डाला था और वहां पे कितना बच गया बहुत न्यून मात्रा में लेकिन जब टूटा टूटा तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में महीन होकर के इलेक्ट्रॉन्स के रूप में वो रूपांतरित हो गया और आप आप उसको जीवा के ऊपर एक बूंद डालेंगे तो झटके की तरह करंट की तरह वो तुरंत हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगा और तुरंत ही वो कार्य देता है वहाँ पे आप जो नींबू है वो पूरा पी जाइए एक साइड और एक साइड वो जो हमने तैयार की हुई दवाई है उसको डालिए तो उस नींबू की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा और तुरंत हमें काम देगा क्यों नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य हुआ हम आयुर्वेद का उदाहरण लें आयुर्वेद में भी अलग अलग बहुत सारी प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं अलग अलग औषधियाँ होती हैं वटिया है आसव है अरिष्ट है चूर्ण है क्वात है या इससे तरह और भी बहुत सारे सिरप आदि चीज़ें होती हैं लेकिन इन दवाइयों को देने पर भी यदि कभी व्यक्ति का रोग ही इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है या फिर वह व्यक्ति इतना ज्यादा रुग्ण हो चुका है कि अब कोई संभावना नहीं या रोग वो दवाई या काम नहीं कर पा रही उनके शरीर में तो उस समय वैद्य क्या करते हैं उस समय उसको आयुर्वेद की एक विशेष जो औषध निर्माण तकनीक है नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे जिसको रस रसायन विद्या कही जाती है जिसको भस्म हम बोलते हैं सामान्य भाषा में उसका प्रयोग लेते हैं उसमें जो भस्म है अर्थात जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वह तत्व जिन पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं उन पदार्थों को लेते हैं उनको पहले जला देते हैं जला करके राख कर देते हैं भस्म बना देते हैं अब फूक मारो तब भी वो उड़ जाए उतना सूक्ष्म बना देते हैं और उतना सूक्ष्म हुई जो राख है जो भस्म है उस भस्म को फिर खरल करते हैं कई कई पुट दस बीस पच्चीस पचास पचास पुट दी जाती है उसको बार बार खरल किया जाता है कई कई दिनों तक लगातार पत्थर के बीच में और जितना वो खरल करते हैं उतना ही वो दोनों पदार्थों के बीच में वो भस्म आकर के और टूटती है वैसे ही भस्म को फूक मारे तो उड़ जाए उतनी सूक्ष्म होती है लेकिन उसको और खरल करते करते उनके पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते तोड़ते उसको इतना महीन कर देते हैं नैनो पार्टिकल के रूप में आ जाते हैं और वह जो नैनो पार्टिकल होते हैं यदि उन नैनो पार्टिकल को हम चमड़ी के ऊपर रख करके ऐसे थोड़ा थोड़ी सी मात्रा में घिसते हैं तो वो हमारी चमड़ी के माध्यम से अंदर उतर जाते हैं हमारे खून में तक घुल जाते हैं इतने महीन होते हैं वो पार्टिकल तो वह जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकलों का जो प्रभाव अर्थात जो उसके अंदर जो निहित शक्ति थी वह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है उसके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में जो ऊर्जाएं थी वो अब जागृत अवस्था में आ जाती है इसलिए जब आयुर्वेद का वैद्य उन भस्मों को देता है तो एक थोड़ी सी मात्रा में एक ग्राम दो ग्राम पाँच ग्राम की मात्रा में देते हैं और उसकी भी साठ पुड़िया बना करके महीने भर उस दवाई को लेने के लिए कहते हैं मानी नाखून के बराबर थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो दवाई शहद के साथ चाटने के लिए देते हैं और फिर भी जो दूसरी दवाइयाँ जब ऐसा हो मतलब कंडीशन आ गई कि दूसरी दवाइया भी उसके शरीर में उतनी बड़ी मात्रा में काम नहीं कर पा रही हैं तब जाकर के ये चीज़ को दी जाती है और झटके के साथ और तुरंत कार्य करती है क्यों क्योंकि नैनो नैनो पदार्थ शक्तिशाली होता है एब्जॉर्ब होने वाला होता है तुरंत इफेक्ट देने वाला होता है करंट की तरह इसलिए उसकी जो महिमा है वो विशेष है ये दो तीन जैसे मैंने ईंधन का उदाहरण दिया ऐसे होम्योपैथी का उदाहरण दिया आयुर्वेदिक भस्म का उदाहरण दिया ये जो दो तीन जो उदाहरण बताए इन तीनों का मूल उद्देश्य क्या है कि हमें नैनो टेक्नोलॉजी को समझना है नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे आज हमने बहुत सारे कार्य किए हैं बहुत सारे कर रहे हैं आज हम एक रूप से देखें तो पूरा संसार नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर जा रहा है आज हम बड़े बड़े पुल बना रहे चाहे वो मेट्रो आदि से लेकर के जो भी अलग अलग हम पुल बनाते हैं और और भी हो आदि तो वहां पे भी इस नैनो टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है उसके अंदर जो सरिया प्रयोग किया जाता है या उसके जो बीम खड़े किए जाते हैं उसके अंदर जो चीजों का प्रयोग किया जाता है वहां सभी जगहों पे हम इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने हुए स्टील के सरिये आदि से लेकर के अलग अलग चीजों का हम प्रयोग लेते हैं क्योंकि वो हल्का भी होता है टिकाऊ होता है और ज्यादा शक्तिशाली होता है तो जो हम और फ्लो और ब्रिज बनाते हैं या फिर और ब्रिज बना रहे हैं या फिर हम हाँ, मेट्रो आदि जो चलते हैं तो उसके लिए जो स्तंभ बनाए जाते हैं उसके अंदर जब उसका प्रयोग किया तो एक तो हल्का हो जाता है ऊपर से भारी नहीं होता है दूसरा मजबूत भी हो गया और तीसरा उसका टीकाऊपन बहुत होता है तो उस कारण से वह जो पुल बने या बीम्स बने उनकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ गई इसी प्रकार जैसे मैंने चिप का उदाहरण दिया और ऐसे अनेक चीजें हैं जिसका हम धीरे 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 आविष्कार कर रहे हैं आज कल तो जो हम पेड़ पौधों को खाद देते हैं वह खाद तक भी नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार की जाती है कि थोड़ी सी मात्रा में हम उस पौधे को खाद को देते हैं तो कई गुना उसको लाभ और इफेक्ट देगा तो इस प्रकार से जर्मनी आदि में उसका भी बहुत बड़े रूप में कार्य हो रहा है तो कहने का अभिप्राय यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पदार्थ को हम अच्छी प्रकार से एब्जोर्व कर पाए उनकी जो निहित शक्ति है उसको पूरी तरह से उद्भुत जागृत कर पाए उसको हल्का टिकाऊ और शक्तिशाली बना सके उसके लिए यह नैनो टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं और यही नैनो टेक्नोलॉजी विशेष रूप से हमारे यहाँ यज्ञ में कार्य करती है आप देखिए नैनो अर्थात सूक्ष्म पदार्थ और जितना पदार्थ सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा ऊर्जावान शक्तिशाली और टिकाऊ और प्रभावी होता है तो अब धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं जितने भी पदार्थ उन सभी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो अग्नि होता है अग्नि से सूक्ष्म पदार्थ आपको धरती पर कोई नहीं दिखाई देगा क्यों धरती पर तीन रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ठोस द्रव एवं गैस रूप में और इन तीनों पदार्थों को हम देखें यदि हम ठोस पदार्थ को ले चूना मिट्टी का पत्थर को ले ले जो ठोस से ठोस पत्थर है अब उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे क्या डाल सकते हैं नहीं डाल सकते क्या उस पत्थर के अंदर हम किल डालना चाहे तो डाल सकते हैं ठोस पत्थर के अंदर हम किल नहीं डाल सकते क्या उस ठोस पत्थर के अंदर हम हवा वायु गैस फॉर्म डालना चाहे तो डाल सकते हैं अर्थात एक जो हमारे पास ठोस पत्थर है उसके अंदर हम तीन में से एक भी पदार्थ को अंदर प्रवेश नहीं करा सकते क्यों क्योंकि वो ठोस है उसके अंदर कोई जगह नहीं है उसके अंदर प्रवेश पाने की कोई आधार नहीं है उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं है ठोस है उसके अंदर पानी भी नहीं डाल सकते गैस भी नहीं डाल सकते और ठोस पदार्थ और भी नहीं प्रवेश करा सकते लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए आप उस पत्थर को अग्नि के ऊपर रखेंगे तो अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है इतनी अग्नि सूक्ष्म होती है कि जिस पदार्थ के अंदर ठोस द्रव और गैस में से तीनों में से एक भी पदार्थ अंदर प्रवेश पाए पा सके इतनी शक्ति नहीं है या उतनी जगह नहीं है या उतने उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर तक अंदर ही नहीं उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की शक्ति सामर्थ किसी में है तो वह है यज्ञ अग्नि में अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है दूसरा हम द्रव पदार्थ लें तो द्रव पदार्थ को जब हम अग्नि के ऊपर रख दें पानी ले लिया पानी को हम अग्नि के ऊपर तो पानी के भी अणु परमाणु के अंदर तक अग्नि प्रवेश पा जाती है ठोस द्रव और गैस वायु वायु को भी हम अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो वायु के भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है हमें अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें से सबसे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ है तो वह अग्नि है और वह अग्नि हर पदार्थ के अंदर अर्थात धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं तीन रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ठोस द्रव एवं गैस तो ठोस पत्थर के अंदर भी अग्नि प्रवेश पा जाती है द्रव पानी के अंदर भी अग्नि प्रवेश पा जाती है और गैस वायु के अंदर भी इनके तीनों के अणु परमाणु के अंदर तक अग्नि प्रवेश पा जाती है इतनी अग्नि सूक्ष्म होती है और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है अंगम नयती अग्नि जिसके संपर्क में आने पर वो अपने जैसा बना ले अपना अंग बना ले जिसे अग्नि जल रही है उसमें हम संविधा लकड़ी को देते हैं तो लकड़ी अग्नि रूप हो जाती है उसमें हम घीत देते हैं तो घृत अग्नि रूप हो जाता है उसमें हम जड़ी बूटियां देते हैं तो जड़ी बूटियां अग्नि रूप हो जाती है वो अपने रूप को भूल जाती है अपने स्वरूप को खो देती है और अग्नि स्वरूप हो जाते हैं और अग्नि अंगम नहीं देती अग्नि अपने जैसा बना लेती अपने जैसा अर्थात कैसा हो गया सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वह पदार्थ भी इतना ही सूक्ष्म हो गया जो उनके संपर्क में आया वो भी और शक्ति किसमें होती है सूक्ष्म में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ठोस द्रव एवं गैस यह तीनों रूपों के अंदर तीनों के अंदर प्रवेश पाने की शक्ति सामर्थ्य किसी में है तो वह है अग्नि में और जो मैंने पहले तीन उदाहरण दिए ईंधन वाला नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरा होम्योपैथी वाला नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीसरा आयुर्वेद का नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चौथा उदाहरण मैंने दिया था चिप आदि का जो हम प्रयोग करते हैं वो है मानी नैनो टेक्नोलॉजी से वस्तु को हल्का टिकाऊ और उस प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके उसके अंदर कई गुना हम उसका लाभ उठा सकते हैं तो ऐसा पदार्थ हो जाता है और ये सूक्ष्म होने पर भी ये पदार्थ हमें दिखाई देते हैं जबकि यहाँ पर जो हम हवन करते हैं यज्ञ करते हैं वहां पे जिस अग्नि का हम प्रयोग करें उस अग्नि में जो घृत और जड़ी बूटी हम डालते हैं पहले हमें जड़ी बूटियां दिखाई देती है घृत दिखाई देता है उसकी जब हम अग्नि में हवी देते जाते हैं और हवी देने के बाद हम देखें तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता वो इतना सूक्ष्म हो गया इतना महीन हो गया इतना बारीक हो गया है कि जैसे अग्नि का मैंने बताया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तर और सूक्ष्म तम कोई पदार्थ होता है तो वह अग्नि होती है और उतना ही सूक्ष्म यह पदार्थ हो गया इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो पदार्थ जितना ही सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली परिणाम देने वाला लाभ देने वाला हो जाता है तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा में हमने जो घीत डालते हैं एक ग्राम मान लो कि हम अनु जो साइंटिफिक रूप से जो माना जाता है उसके आधार पर हम घृत की आहुति अग्नि में देते हैं तो एक ग्राम घृत की यदि हम आहुति देते हैं तो उस एक ग्राम घी को जब हम अग्नि में जलाते हैं तो जो साइंस मानती है उसके आधार पे वह अठारह गुना बढ़ जाता है कितना मानी एक ग्राम घृक को हम अग्नि में डालते हैं तो वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो अठारह गुना बढ़ जाता है चौरासी वह अपना फॉर्म होता है अर्थात अठारह गुना बढ़ जाता है और एक अपना मानी चौरासी गुना हो जाता है मानी एक ग्राम घृत को हम जलाते हैं तो वह एक ग्राम घृत एक लीटर आठ सौ चौरासी ग्राम हमें गैस हमको प्राप्त का हुआ हुआ मिलता है और वह कैसी गैस होती है अति सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रभावशाली वायुमंडल का शोधन करने वाली बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि को दूर करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने वाले और जीवनीय शक्ति का वायुमंडल में संचार करने वाली होती है इसलिए जैसे हम हम सामान्य रूप से गैस का प्रयोग करते हैं अपने घरों में स्प्रे जिसका हम प्रयोग करते हैं कपड़ों में छिड़कते हैं बॉडी स्प्रे आदि जो अलग अलग लोग घरों में प्रयोग करते हैं रूम स्प्रे आदि का अब आप विचार कीजिए हमने रूम स्प्रे ही एक ढाई से 300 सौ का 300 सौ का एक हमने स्प्रे ले लिया रूम स्प्रे हम थोड़ी सी मात्रा में अपने छोटा सा कमरा है जिसमें हम रहते हैं छोटे से कमरे में हम थोड़ा सा स्प्रे करते हैं पूरा कमरा सुगंधित हो जाता ही नहीं हो जाता है रूम स्प्रे को हम थोड़ी सी मात्रा में छिड़कते हैं तब भी हमारा पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है जैसे वो थोड़ी सी मात्रा में छिड़कते हैं तब भी वो सुगंधित हो जाता है और इसी प्रकार वो तीन सौ है उस 300 ml को हम अपने उस कमरे को सुगंधित करने के लिए प्रयोग करें तो साल भर चल जाता है मान साल भर 365 दिन होते हैं साल भर में तो 365 बार हम स्प्रे कर सकते हैं उसे और 365 बार उस कमरे को हम सुगंधित कर सकते हैं एक 300 ml गैस के माध्यम से अब आप विचार कीजिए कि 300 ml गैस से 365 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं तो जो हमने एक ग्राम घृत अग्नि में डाला उस एक ग्राम से एक लीटर आठ सौ चौरासी ग्राम हमें गैस मिली कितनी एक ग्राम से एक लीटर आठ सौ चौरासी ग्राम अब ये एक लीटर आठ सौ चौरासी ग्राम जो हमें गैस प्राप्त हुई उस गैस को जब हम अपने कमरे में अपने वायुमंडल के अंदर हम छोड़ते हैं तो वह कितने गुना कितने वातावरण तक जा सकती है आप कल्पना कर सकते हैं कि तीन सौ का गैस का जो सिलेंडर है या बोतल है वो तीन कमरा सुगंधित कर सकता है तो एक लीटर आठ ग्राम यदि हमारे पास गैस है तो वो कितने कमरों को सुगंधित कर सकता है और सुगंधित करना तो खाली स्प्रे का कार्य होता है वो एडिशनल पार्टिकल होता है और उसके अंदर तो कुछ ऐसी गैसें भी मिलाई जाती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए हेल्दी नहीं होती है लेकिन जो हम यज्ञ करते हैं या गृहत की हमने आहुति दी वह जो परिवर्तन रूपांतरित होकर के वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वह गैस के अंदर ऐसी अलग-अलग गैसें होती हैं जो इस वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करती है अपनी ओर खींचती है और उसको नष्ट करती है दूर करती है उसके साथ साथ वायुमंडल के अंदर जितने भी विकार है दोष है उन सबको दूर करती है वायुमंडल को में जीवनीय शक्ति का संचार करती है और इसी प्रकार से संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड में कोई भी रोग है तो उसको दूर करके संतुलन को कायम करने का कार्य होता है यह है नैनो टेक्नोलॉजी की महिमा यह है नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषता और यज्ञ के माध्यम से यह विशेष रूप से घटित होती हैं इसलिए आइए इस टेक्नोलॉजी सरल सहज जो कि दूसरे पदार्थों को नैनो करने तो हमको कर हम हमारे ऋषियों ने हमारे भगवान ने हमें वेद के माध्यम से यज्ञ करने के लिए कहा बहुत सरल सहज कम खर्चे में अनंत लाभ देने वाला इतना सरलतम नुस्खा दिया है तो आइए हम अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं यज्ञ को अपनाए यज्ञ जीवन जिए अर्थात यज्ञ करें और यज्ञ को कराए और यज्ञ जीवन जिए यही है हमारा धर्म य तो धर्मो रक्षति रक्षित धर्मो हंति हत यदि हम यज्ञ की रक्षा करेंगे यज्ञ करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी आज पोल्यूशन से लेकर के जो भयंकर बीमारियों का खोप चल रहा है उससे हम बच पाएंगे तो आइए आज का यही हमारा धर्म है इस धर्म को अपनाएं इसी के साथ सभी को प्रणाम ओम शांति शांति शांति